जी हाँ, अगर आपके भी इंस्टाग्राम के ऊपर भैया जी फिल्टर्स वगैरह जो है, जी हाँ फिल्टर्स वगैरह जो है वो शो नहीं कर रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। जानने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल। लो भैया, मैं तो आ चुका हूँ मोबाइल फोन के अंदर, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लिया, वहां पर भी भाई के जल्दी से जल्दी 10K फॉलोअर्स करवा दो, और कमेंट बॉक्स में जो है थैंक्स लिख देना, क्योंकि मुझे पता है कि 110% ये वीडियो जो है वो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। अब आपने सिंपली करना कि भैया जी इंस्टाग्राम के अंदर आ जाना है, इंस्टाग्राम के अंदर आओगे तो यहां पर आपने जो है वो रील्स के अंदर चले जाना है। अब ये प्रॉब्लम जो है वो हमें कब देखने को मिलती है, हमें तभी देखने को मिलती है भैया जी जब हम ट्रेंडी रील्स के ऊपर या कोई भी रील्स के ऊपर जो है ना वो कोशिश करते हैं भैया जी हम भी वीडियो बनाए, डुएट वीडियो या कुछ भी बनाए, ठीक है। ऐसे में आप सिंपली करते क्या, यूज के ऊपर आते हैं, यहां पर यूज ऑडियो के ऊपर आते हैं, और जब आप रील वगैरह जो है वो भैया जी शूट करने की कोशिश करते हो तो नीचे आपको जो है वो फिल्टर्स वगैरह दिखाई नहीं देते, और सम टाइम जो है यहां पर 3 स्टार्स आ रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो आप क्लिक कर देते हो, यहां पर सर्च के अंदर आते हो तो यहां पर भी जो है वो आपको तरह तरह के फिल्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन समटाइम आपको देखने को नहीं मिल रहे। तो इस चीज को जो है वो आपने कब और कैसे फिक्स करना है आज ही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में आपने सिंपली करना क्या, जैसे कि हे यू कैन सी कि मुझे इस टाइम जो है वो सारे फिल्टर्स वगैरह जो है वो दिखा रहा है, जो जो भी फिल्टर्स है, लेकिन आपको ये फिल्टर्स वगैरह जो है वो शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा होगा, आपने सिंपली भेजी आ जाना, इसे इंस्टाग्राम को बंद कर देना है, और आपने आ जाना प्ले स्टोर के अंदर, ऐप स्टोर के अंदर, इसके अंदर आओगे, यहां पर मेक श्योर कर लेना है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अप टू डेट है, ठीक है। Hey, you can see कि हमारा समटाइम ना ऑटो अपडेट के ऊपर जो है वो इंस्टाग्राम लगा होता है, ऐसे में समटाइम अपडेट के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। जी हाँ, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो अपडेट हो गया है उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसे में भैया जी आपने सिंपली करना क्या, अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लो, अगर अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो ऐसे में फिर आपने सिंपली भेज जी गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है। गूगल क्रोम के अंदर आओगे तो यहां पर जो है वो आपने गूगल के अंदर चले जाना है, यहां पर आपने सिंपली भेज जी लिखना है इंस्टाग्राम ओल्ड वर्जन, ठीक है। आपने कोई भी इंस्टाग्राम का पुराना जो है वो भैया जी वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, और उसको बाद में अपने प्ले स्टोर से जो है वो आपने अपडेट करना है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं होती तो ऐसे में आपने सिंपली करना क्या भैया जी, आ जाना फिर से गूगल के अंदर। गूगल के अंदर आओगे तो यहां पर जो है वो आपने भैया जी सर्च कर लेना है डाउन डिटेक्टर। डाउन डिटेक्टर सर्च करोगे, डाउन डिटेक्टर के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है, और मेक श्योर कर लेना है कि आपकी कंट्री के अंदर आपका इंस्टाग्राम जो है वो इस डाउन ना हो, ठीक है। तो हे यू कैन सी कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर अभी इंस्टाग्राम जो है वो डाउन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम कोई हो रही है। लेकिन अगर आपको यहां पर रेड स्पाइक्स जो है वो देखने को मिल रही है तो फिर आपने कुछ नहीं करना, अगले मेथड जो है वो आपने फॉलो नहीं करना है, फिर आपने 20 से 24 48 आवर्स जो है वो इंतजार करना है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। अगर यहां पर जो है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल आपका इंस्टाग्राम देखने को मिल रहा है, जैसे मेरा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो भैया जी अभी तक इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो फिल्टर्स वगैरह शो नहीं कर रहा, तो फिर आपने जो है नेक्स्ट तरीके के ऊपर चले जाना। वो क्या है, आपने चले जाना भैया जी अपने इंस्टाग्राम की इन्फो के अंदर, ठीक है, ऐप इन्फो के अंदर चले जाना है, या सेटिंग्स के अंदर जाके, ऐप्स के अंदर जाके इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आपने आ जाना, और उसके बाद स्टोरेज के अंदर जाना है। स्टोरेज के अंदर जाओगे तो यहां पर जो है वो क्लियर डाटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन कीप इन माइंड, अगर आपको अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम और भैया जी पासवर्ड याद है, ईमेल याद है, लॉगिन डिटेल्स याद है, फिर ही आपने ये मेथड करना है। बाद में ना कहना कि भैया जी हमारा इंस्टाग्राम तो लॉगिट हो गया, अब हम इसे लॉगिन कैसे करें, हमें तो भैया जी यूजर नेम ईमेल पासवर्ड याद ही नहीं था। तो ऐसे में आपने ये स्टेप तभी करना है, ठीक है। यहां से आपने जो है वो क्लियर डाटा कर देना है, क्लियर डाटा करोगे उसके बाद आपने डाटा यूजेज के अंदर आ जाना है। यहां पर आपने एक दफा सारा इसका टर्न ऑफ कर देना है, डाटा वगैरह, सिम्स वगैरह, सारा इसका डाटा टर्न ऑफ करके अपना मोबाइल जो है वो आपने रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद वापस आपने इन तमाम चीजों को जो है वो टर्न ऑन करना है, और फिर आपने देखना है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हुई है कि नहीं। उसके बाद ऐप परमिशंस के अंदर आ जाना है और मेक श्योर कर लेना है कि आपने अपने इंस्टाग्राम की तमाम परमिशंस वगैरह जो है वो भैया जी इंस्टाग्राम को दी हुई है, ठीक है। खासकर भैया जी कैमरे की फोटोज एंड वीडियोज वगैरह की, क्योंकि इसका ज्यादा ताल्लुक उसी के साथ है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर भी आपका सब कुछ ठीक है तो फिर आपने एक दफा जो है वो अपने इंस्टाग्राम को भैया जी अनइंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल करना है, और आई होप कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। ऐसे में अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं होती तो फिर आपने इंस्टाग्राम के अंदर चले जाना है। इंस्टाग्राम के अंदर जाओगे तो यहां पर ये जो आ रहा है यानी इंटरफेस, इसका जो है वो आपने एक दफा जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है इस तरह से,
ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर आपने इंस्टाग्राम के वापस आ जाना है, होम पे आ जाना, प्रोफाइल के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पर जो है वो आपने भैया जी थ्री वर्ग लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने सबसे नीचे आना है, सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर भैया जी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प का। हेल्प के अंदर जो है वो आपने चले जाना है, हेल्प के अंदर जाओगे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम के अंदर जाना है, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम विदाउट चेकिंग इसके ऊपर जाना है, डोंट इंक्लूड इसके ऊपर जाना है। यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट था वो आपने अपना कर लेना है अपलोड, और यहाँ पर जो है वो आपने एक ब्रीफली बयान करना है कि आई कांट पॉसिबल, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट वो करके भैया जी अपलोड करके इनको सेंड कर देना है। 24 से 48 आवर्स जो है वो आपने इंतजार करना है। आई होप कि 110% आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व नहीं होती, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता देना है, आपका भाई जो है आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करके ही रहेगा। तो ऐसे में अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप हाउडू चैनल को फर्स्ट टाइम देखा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउडू चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, अब तक ले चाहता सब लोगों से इजाजत।